हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए पत्ता गोभी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आधा पत्ता गोभी लेंगे और उसका भी आधा कर देंगे। पत्ता गोभी को पहले ऊपर से धुल लीजिएगा। और यहाँ पर एक आपको लेना है कद्दूकस किसी भी तरीके का, और उसे इस पत्ता गोभी को हमें इसे क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बिल्कुल एकदम फाइनली चॉप्ड कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में थोड़ा सा बिल्कुल घुमा दीजिए, बस ये हो जाए। हमें इसे करना है तो इसलिए यहाँ पर मैंने कद्दूकस से इसे घिस लिया है। तो बहुत ही इजी होता है गाइज, आप लोग कद्दूकस से घिस लीजिए, बहुत ही बराबर से एकदम अच्छे से निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं, अगर आपको ये लगे कि नहीं हो रहा है तो इसे थोड़ा सा मोड़ के इस तरीके से आराम से आप इसे घिस सकते हैं। तो अगर गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो बाकी का बचा है आधा, उसे भी इस तरीके से हम घिस के पूरा रेडी कर लेंगे। लीजिए, हमारा पूरा घिस कर रेडी है। और अब हम इसे एक बाउल में, कोई बर्तन ले लीजिए या फिर आप परात ले लीजिए, उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए इसे। और ये हमारा पत्ता गोभी, हम उसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड करके डालना है। और इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और आधा चम्मच अजवाइन, और अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्ची कुटी हुई, और यहाँ पर हरा धनिया। इन सभी को अच्छे से पहले हमें नमक डालकर, यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जो कि 1 चम्मच हमने नमक लिया है, उसे डालकर, और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची आधा चम्मच, अगर मन करे तो, वरना स्किप कर दीजिएगा, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, बस तीखा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं डाला। तो पहले तो आप इसे एकदम अच्छे से मैश करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा पत्ता गोभी पानी छोड़ता है नमक डालने के बाद। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा, और अब हम इसमें 1/2 कप डाल देंगे बेसन, और यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा कम सूजी, और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यानी खारा सोडा, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, वो बेकिंग पाउडर नहीं डालना है हमें, बेकिंग सोडा डालना है। तो 1/2 चम्मच डाल के हम इसे अच्छे से पहले मैश करेंगे। पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इसे, इस डो को तैयार करने में, क्योंकि हमने पत्ता गोभी से में जो नमक डाला था उससे ही पानी इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल रहा है। आप देख सकते हैं, बिना पानी के ही बहुत ही अच्छा ये डो रेडी हो जाएगा हमारा। तो पानी को 1% मैंने नहीं लिया है गाइज, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि पानी बहुत टाइट है, बट आप इसकी देख सकते हैं इसके डो को, पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और लीजिए, हमारा डो रेडी है। तो इस पर 1 से 2 चम्मच तेल डालकर मैश कर लेंगे हम उसे। और नमक को आप टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम लगे तो इसमें थोड़ा सा और नमक डाल दीजिएगा। तो लीजिए, हमारा डो रेडी है। तो हाथों में थोड़ा बहुत चिपकेगा, क्योंकि ये नमक बिना पानी डाले ही ये इतना अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसे की रोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप 3 साइज के या फिर 4 पतले पतले रोल इसमें से बना लीजिएगा। तो लीजिए गाइस, 1 रोल हमारा रेडी है। इसी तरीके के बाकी के 2 रोल्स या फिर जो 3 रोल्स बने हमें रेडी कर लेना है। तो लीजिए, 3रा रोल भी हमारा रेडी है। और अब हम इसे किसी जालीदार बर्तन पे रखेंगे। पहले इसे ऑयल से आप कोटिंग कर लीजिए, नीचे की परत पर तेल लगा दीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं।
और एक एक पीस को थोड़ा थोड़ा स्पेस में रखिएगा दूरी दूरी पे, और ढककर अब हम इसे स्टीम करने के लिए नीचे वाले में पानी रखकर या फिर कोई आप भिगोने में पानी रखकर उस पर कोई जालीदार बर्तन रखकर इस पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मोमोज का साँचा लिया है, अगर ना अवेलेबल हो तो आप भिगोने वाला प्रोसीजर अपनाइएगा। तो बस हमें 15 मिनट तक इसे भाप देना है, स्टीम करना है। और ये देखिए इसमें क्रैक्स आ गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। आप इसमें टूथपिक डाल के निकाल के देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छे से इतने टाइम में हो जाएगा। और जो मैंने खारा सोडा डाला था उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्पंजी भी बनेगा और सूजी की वजह से भी। तो अगर आप चाहें इसमें दही भी डालकर डो को रेडी कर सकते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाए इसे निकाल कर प्लेट में कट कर लेना है। तो ये देखिए कितना स्पंजी और गर्मा गर्म है। आप अपने मन के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको चटनी अच्छी लगती हो, टमाटर की या सेजवान सॉस या केचप, उसके साथ ज़रूर इसे खाइए और चाय के साथ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। वैसे हम इसे पत्ता गोभी की मुठिया भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन ले लीजिए और उस पर डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए पूरे पैन में इस तरीके से फैला दीजिएगा। और इसमें हम डाल देंगे राई 1 चम्मच और 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और इनको सॉटे कर लीजिए। अगर करी पत्ता हो तो करी पत्ता ज़रूर डालें। और अब हम एक एक करके बिछा देंगे हमारे मुठिया, ये जो पत्ता गोभी की मुठिया है इसे बिछा देंगे। तो बस इसे दोनों साइड से हमें अच्छे से सेक, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक। तो दोनों साइड से पलटकर हम इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। और लीजिए हमारा टेस्टी सा नाश्ता रेडी है, आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में ये, और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और क्रंची भी लगता है। तो लीजिए गाइस हमारा टेस्टी नाश्ता तैयार है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।